हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक मेरा पीआर में रिसीव हुआ एक फेस वॉश, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट फेस वॉश में से एक है, जो कि बहुत सूदिंग लगता है, यू नो। तो चलो आज मैं आपको बताऊंगी ये फेस वॉश के बारे में। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, तो क्या आपको यू नो क्यूरियस करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। एंड हाँ, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो प्लीज मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को शेयर भी करना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में डॉट इन की का ये फेस वॉश। आप देख लो, ये बहुत ही सुंदर सा फेस वॉश है एंड ये बेरी रिपेयर प्लस हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश है एंड पैराबिन एंड फाइव नहीं प्रोबायोटिक एंड फाइव इसेंशियल सेरामाइड से बना हुआ ये फेस वॉश है एंड काफी सुंदर सा इसका यू नो पैकेजिंग है। इसमें लिखा है नॉर्मल ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, बट गाइज मेरा ऑयली स्किन है एंड ये मेरे स्किन में भी काफी अच्छा सूट करता है। एंड ऑल्सो आई हैव द सनस्क्रीन एंड क्रीम जो कि मॉइस्चराइजर जो कि मुझे यू नो डॉट एंड की तरफ से ही सेंड किया गया था एंड दिस इज वन ऑफ द यू नो बेस्ट फेस वॉशेज जो मैंने अभी तक यूज किए हैं एंड ये 100 ml में मुझे यू नो सेंड किया है डॉट एंड की ने। तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ आज। तो ये रिटेल करता है आपको 249 rupees का एंड काफी अच्छा यू नो डिसेंट अमाउंट में आपको 100 ml का ये फेस वॉश मिल जाता है गाइज। एंड इसमें है पीएच 5.5 एंड इसके अंदर है हाइलुरोनिक प्लस राइस वाटर जो कि बहुत एसेंशियल आपके स्किन के लिए। दूसरा है सोप एंड सल्फेट फ्री है, इसमें कोई भी ऐसा सल्फेट नहीं मिलेगा। तीसरा चीज है ये डर्मा टेस्टेड है, यानी कि आपके स्किन का टेस्ट किया हुआ है इसमें। दूसरा चीज है कि आपको इसको डिसेंट अमाउंट में लेना है, 30 सेकेंड मसाज करना है स्किन में एंड आपको रिंस आउट कर लेना है। इसके बाद आप यू नो टोनर लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, कुछ भी ऐसा लगा सकते हो एंड आपको इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाएंगे पीछे इसके, तो आप देख सकते हो क्या क्या है। एंड ये एक्सटर्नल यूज के लिए है, ये इंटरनल यूज के लिए नहीं है। आपको इसको बस फेस वॉश में यूज करना है एंड बॉडी के किसी अदर पार्ट के लिए नहीं यूज करना है। तो चलो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि ये फेस में कैसा लगता है। मैंने फेस वॉश किया एंड आई फील वेरी नाइस कि उसके बाद मेरा स्किन बहुत ही लाइट एंड सफल लग रहा था। तो या इसका रिव्यू हम देखेंगे एंड बहुत ही अच्छा सा है एंड आप देख लो इस टाइप का यू नो कैप पैकिंग में आता है एंड ट्रांसपेरेंट सा यू नो इस तरीके का लिक्विड जैसा फेस वॉश है। अगर स्मेल की बात करूं तो बहुत ही लाइट वेटेड स्मेल है जो कि बहुत अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग लगता है। बहुत ही हार्ड स्मेल नहीं है जो कि मैंने बाकी फेस वॉशेस में देखे हैं, विच इज अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस फेस वॉश। तो चलो देखते हैं इसका रिव्यू। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ले लिया है डॉट एंड की का फेस वॉश और अभी मैं कर रही हूँ अपना पूरा फेस वॉश अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने एक डिसेंट फी अमाउंट का ले लिया एंड अब मैं यहाँ पे अपने पहले फेस को वेट कर रही हूँ जैसे हम करते हैं और अभी मैं अपने फेस में अच्छे से अप्लाई करूँगी इसे। एंड गाइस, इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रहा था ना एंड ये स्किन में खुद फील होता है जैसे कि ये मेरे स्किन से पूरा डार्क जितना भी डर्टनेस है एंड डर्टी मटेरियल्स वगैरह है जो मेरा डेड स्किन है उसको अच्छे से यू नो रिंस आउट कर देगा। एंड अभी मैं अच्छे से फेस वॉश कर ले रही हूँ सर्कुलर मोशन में करके एंड अभी वाटर से रिंस कर ले रही हूँ। फेस बहुत ही सॉफ्ट लग रहा था। सो गाइज, ये रहा मेरा डॉट एंड की का फेस वॉश रिव्यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगे तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर के इसे परचेज कर लेना। एंड इसका यू नो मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन के ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है एंड आपने इसको चेकअप नहीं किया है तो प्लीज गो एंड चेकआउट द यू नो प्रोडक्ट लिंक एंड मैं इसका डिटेल डाल दूंगी। और भी इसके ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं जो मैंने यू नो रिव्यू शायद किए हुए हैं तो मैं वो भी डाल दूंगी लिंक, आप चेकआउट कर लेना। एंड मिलती हूँ ऐसी और वीडियो के लिए। टिल देन सी यू एंड बाय गाइस।